नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। और इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय भी ले सकते हैं। आज हम आपको असंगठित मजदूरों के कानूनी हक के बारे में बताएंगे। देश में कामगारों का बड़ा हिस्सा असंगठित श्रमिकों का है। ये वेतन, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य से महरूम है। 2005 में भारत सरकार ने देश के 94% असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों को, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों को रोजगार के शोषण मुक्त अवसर उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून बनाया। लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है। शोषण आज भी हो रहा है। भ्रष्टाचार और शोषण करने वाले जानते हैं कि मजदूरों की आवाज संगठित नहीं है और इसीलिए शोषण करने वाले मनमानी करते हैं। असंगठित मजदूरों को अपने कानूनी हक के लिए जागरूक करने की जरूरत है। साथ में कानून को और ज्यादा मजबूत भी करना होगा। सामाजिक कल्याण की स्कीमों को बेहतर लागू करना होगा। आज हम आपको असंगठित मजदूरों के कानूनी हक के बारे में ही जानकारी देंगे। हमारे आज की कानूनी विशेषज्ञ हैं अधिवक्ता ऋषिपाल सिंह जी, जो आपको असंगठित मजदूरों से जुड़े हुए सवालों की जानकारी देंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगर आपका भी कोई इससे जुड़ा हुआ सवाल है तो फोन करके आप राय ले सकते हैं। फोन लाइन खुल चुकी है, तो एक बार विषय की जानकारी आपको फिर से दे देते हैं। आज हम आपको असंगठित मजदूरों के कानूनी हक के बारे में बताएंगे और इसी पर आप ज्यादा जानकारी के लिए, ज्यादा कानूनी सहायता पाने के लिए इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं जो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। नंबर्स हैं 01206127938, 01206127937। ये दो नंबर्स हैं जिन पर आप कॉल करके कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं और सबसे पहले ऋषिपाल जी आपसे यही जानना चाहेंगे कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर आखिर क्या होता है। देखिए वक्ता, जैसे हम इस शब्द से ही आप समझते हैं कि जो ऑर्गेनाइज्ड ना हो। ऑर्गेनाइज्ड का अर्थ है कि जो ऑलरेडी जो प्रिस्क्राइब्ड रूल्स हैं, लॉ है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की, जैसे कंपनी एक्ट होता है, कंपनी एक्ट के अंदर कंपनी बनती है, उसके हिसाब से उसके सारे प्रोविजन चलते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोविजन जो ऐसा लॉ होते हैं उसके हिसाब से जब कोई बोर्ड, कोई कंपनी बनती है या कोई संगठन बनता है तो वो संगठन एक ऑर्गेनाइज होता है। उसमें काम करने का तरीका, लोगों की जिम्मेदारी, लोगों की ड्यूटी, सब चीज जो है तय होती है, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर है। लेकिन वो एक ऐसा सेक्टर है जो उसके अलावा जो सेक्टर है, जिस सेक्टर उस ऑर्गेनाइज सेक्टर के अलावा जो बचता है वो सारा का सारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। विशेष तौर पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब है कि बहुत छोटे पैमाने पे जो जो लोग व्यापार करते हैं, काम करते हैं या रोजगार करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई छोटी दुकान है, छोटी फैक्ट्री है, या मान लीजिए कोई और छोटा व्यापार कर रहा है, तो ऑर्गेनाइज्ड है, जो कि कोई रूल के अंदर नहीं है, किसी लॉ के अंदर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वो सारा का सारा सेक्टर जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर माना जाता है, वो किसी रूल के तहत नहीं है। लेकिन वक्ता बहुत इंपॉर्टेंट है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है हमारी जो अर्थव्यवस्था की एक बोन की तरह, एक रीढ़ की हड्डी की तरह, क्योंकि ये हमारे देश में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। हमारे देश में बहुत छोटे स्तर पे और गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले हम देखते हैं दुकानें होती हैं, छोटे छोटे रोजगार होते हैं, छोटी छोटी फैक्ट्री होती है जहाँ पे एक आदमी या दो आदमी या तीन आदमी काम करते हैं। तो ये अपने आप में हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। तो इसीलिए जो है इस सेक्टर को कभी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो है इससे रिलेटेड जो रूल्स को बनाती है, लॉज को बनाती है, लेकिन फिर भी जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है इतना ज्यादा फैला हुआ है, इतना ज्यादा वर्स्ट कंडीशन में होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऐसे इलाकों में बहुत ज्यादा अपनी वर्क करता है जहाँ पर, जो कि अर्बन एरियाज नहीं है, जहाँ पर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है या बहुत ज्यादा कानूनी रूप से व्यवस्था नहीं है। तो वो सारा का सारा सेक्टर जिसके अंदर सारे छोटे 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 पैमाने पर जो कार्य किया जाता है और जिनमें को रूल्स नहीं लगता, को नियम नहीं लगते, उनके नियम के तहत वो काम नहीं हो रहा होता, वो सारा का सारा सेक्टर जो है अनऑर्गेनाइज या असंगठित क्षेत्र कहलाया जाता है। बिल्कुल ऋषिपाल जी, जैसे अनऑर्गेनाइज्ड वेज वर्कर की जो परिभाषा है वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे।
इसी बात को हम जब आगे बढ़ाएंगे तो जो अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर होता है उसके अंदर जो वर्कर काम करते हैं उसमें दो लोग होते हैं, व्यक्ति का वो होता है जो एंटरप्रेन्योर होता है या वो व्यक्ति जो काम को चला रहा होता है, इसके अलावा जो व्यक्ति उसके साथ काम कर रहा होता है एज ए लेबर काम कर रहा होता है, एज ए वर्कमैन काम कर रहा होता है, वो अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर होता है उस अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो है वर्कर कहलाया जाता है। जी। और ये भी अपने आप में बहुत बड़े पैमाने पर जो व्यक्ति हैं, जो वर्कमैन हैं, वो अवेलेबल होते हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें बहुत बड़े पैमाने पर। तो आप देखेंगे कि जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं उसमें लेबर होते हैं, मिस्त्री होते हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं और छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं जिसके अंदर बहुत बड़े पैमाने पर बहुत बड़े स्केल पर जो है जो वर्कर हैं वो उसमें जुड़े हुए हैं, लेकिन वो सारे के सारे वर्कर जो है अनऑर्गेनाइज होने के कारण वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू या किसी लॉ के थ्रू जो है उनको बेनिफिट्स नहीं मिलते या वो उस तरह से उनका लाभ नहीं उठा पाते, जिम्मेदारी तय नहीं हो पाती, तो वो सारे के सारे व्यक्ति वर्कर जो उन अनऑर्गेनाइज सेक्टर या असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं वो अनऑर्गेनाइज वर्कर या वर्कमैन या लेबर कहलाए जाते हैं। जी बिल्कुल ऋषिपाल जी, अगर अनऑर्गेनाइज्ड वेज वर्कर को काम के एवज में सही पैसे नहीं मिल पा रहे हैं तो वो फिर इसके लिए क्या कर सकते हैं, कहाँ शिकायत कर सकते हैं, इसको लेकर क्या कुछ प्रावधान है? देखिए वक्त से पहले तो हमें समझना है कि ऐसा क्यों है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर लोगों को या वर्कमैन को जो सैलरी है या काम के बदले में जो पैसे है वो कम मिलते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जो काम की डिमांड होती है उस डिमांड की तुलना में जो लेबर की सप्लाई है वो कंपैरेटिवली काफी ज्यादा है, यानी जॉब मान लीजिए 100 है तो लेबर 200-250-300 है। तो ऐसे स्थिति में अगर मान लीजिए जैसे कोई मिनिमम वेजेस एक्ट के हिसाब से काम करता है और मिनिमम वेजेस एक्ट के हिसाब से 700 या 800 तो उसकी लेबर बनती है, लेकिन एक व्यक्ति जो है तो जिसको काम नहीं मिल रहा है तो वो ऐसी स्थिति में उस जो मिनिमम वेजेस एक्ट है उससे भी कम में काम करने को तैयार हो जाता है। तो जब ऐसी स्थिति होती है कि लोग कम पैसे में काम करने को तैयार हो जाते हैं तो वहीं पर क्या है शोषण की स्थिति पैदा होती है और ऐसे बहुत से लोग होते हैं वो ऐसे व्यक्तियों की जो परिस्थिति है उनका लाभ उठाते हैं और उनका जो उनका पैसा देना है या उनकी जो सैलरी देनी है या जो उनका दिहाड़ी देनी है उसको उससे भी कम देते हैं जो मिनिमम वेजेस एक्ट है। ना केवल कम देते हैं, कई बार ऐसी स्थिति भी होती है कि उनके जो दिहाड़ी है या उनकी जो उनकी सैलरी है वो नहीं भी दी जाती। तो ऐसी स्थिति में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जो वर्कर काम कर रहे हैं अगर उनको ऐसा लगता है कि जो उनकी दिहाड़ी है जो उनका काम है वो पैसे नहीं दिए जा रहे तो जो भी एविडेंस उसके साथ है वहाँ पे कंसर्न जो लेबर कमिश्नर उस इलाके का होता है और SDM होता है दोनों के पास वो कंप्लेन कर सकते हैं। विशेष तौर पर जो लेबर कमिश्नर होता है वो विशेष तौर पर उनका जो काम ही ये होता है कि लेबर का वेलफेयर करना है तो लेबर के वेलफेयर के लिए अगर मान लो वहाँ कंप्लेन करते हैं तो लेबर कमिश्नर जो है एज पर लॉ जो हमारी प्रिस्क्राइब लॉ है लेबर लॉ के हिसाब से उस एम्प्लॉयर को वो जो नोटिस करते हैं और नोटिस करने के बाद प्रूव होता है कि भाई अगर मान लीजिए एम्प्लॉयर ने पैसे नहीं दिए हैं तो एज पर लॉ जो है वो पैसे दिलाए जाते हैं, लेकिन उसमें बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस जो होता है यानी समझ लीजिए एक तरह का झुकाव जो होता है वो लेबर की तरफ ही होता है जिससे कि उनको पता होता है लेबर कमिश्नर को कि लेबर जो आ रहा है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आ रहा है, उसके पास कानूनी रूप से जानकारी नहीं है, उसके पास एक्टर्स नहीं है, उसका सुविधा कम है। तो ऐसी स्थिति में जो लेबर है उसको ज्यादा महत्व दिया जाता है और जब भी उनको एविडेंस होते हैं एज पर लॉ वो जो लेबर कमिश्नर है वो एज पर लॉ जो है वो डिसाइड करता है और जो कंपनसेशन जो होता है या सैलरी जो नहीं दी गई होती उसको विद इंटरेस्ट दिलाने के लिए अपनी पूरी पूरी कोशिश करता है। बहुत बार जो है हमने देखा है कि लेबर कमिश्नर अप्रोप्रिएट जो है ऑर्डर पास करते हैं, ना केवल ऑर्डर पास करते हैं उस पर SDM जो होता है SDM कंसर्न उसकी एग्जीक्यूशन कराता है और उस लेबर की जो अमाउंट है वो मिलता है। कई बार ऐसी स्थिति जो होती है कोई लेबर काम करते करते जो है उसकी मृत्यु हो जाती है तो भी ऐसी स्थिति में जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जो उसके LR होते हैं जो उसके क्लेमेंट होते हैं वो क्लेम करते हैं और उस पैसे को एज पर लॉ डिसाइड होता है और वो पैसा फिर लेबर कमिश्नर अलॉट करता है या डिसाइड करता है और फिर एग्जीक्यूशन का जो काम होता है वो SDM द्वारा कराया जाता है। बिल्कुल ऋषिपाल जी, साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड क्या होता है और आखिर इसका मकसद क्या कुछ है? देखिए जैसे हमने अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो वर्क है वो बहुत ही बिखरा हुआ है और उसकी कोई
लॉ नहीं है जी। तो ऐसी स्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर एक्ट है उसके हिसाब से एक नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड का गठन किया है, जिसके अंदर मेंबर्स होते हैं, जिनका काम यही होता है कि जो राष्ट्र जो केंद्र जो सरकार है उनको लेबर लॉ के ऊपर किस तरीके से उनको असिस्ट करना और जो सोशल वेलफेयर की जो स्कीम है जो केंद्र सरकार चला रही है उनको उनको देखरेख करना कि वो ठीक चल रही नहीं चल रही, उनमें अगर उनको लगता है कोई तो बदलाव की आवश्यकता है तो उनको बदलाव के लिए जो है वो रिकमेंड करते हैं। तो एक तरह से जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो होता है उसके वेलफेयर होते हैं, उस वेलफेयर को देखने का जो काम है वो नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड करता है केंद्रीय स्तर पर, यानी केंद्र सरकार जो है नेशनल लेवल के ऊपर जो है नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड का गठन करती है और वो फिर ये काम करते हैं। जैसे नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड अपना काम करता है उसी प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर जैसे होता है वैसे ही राज्य स्तर पर भी होता है, यानी राज्य स्तर पर जो है सिक्योरिटी बोर्ड होते हैं जो वेलफेयर की बात करते हैं लेबर की, लेबर का वेलफेयर कैसे हो सके, उनके शोषण से उनको कैसे रोका जा सके। इसके अलावा जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार जिन भी जो स्कीम की घोषणा करती है उन घोषणाओं का लाभ उस व्यक्ति को मिल रहा है नहीं मिल रहा है या किस तरीके से बदलाव किया जा सकता है और उन स्कीमों को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, यही नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड का केंद्र स्तर पर काम होता है और राज्य सिक्योरिटी बोर्ड का काम भी इसी स्तर पे इसी तरीके से राज्य स्तर पर। आज हम आपको असंगठित मजदूरों के कानूनी हक के बारे में जानकारी दे रहे हैं और इसके लिए हमारे साथ लगातार हमारे कानूनी विशेषज्ञ ऋषिपाल सिंह जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अगर आपका भी इस विषय से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं, हमारे कानूनी विशेषज्ञ के साथ जुड़कर राय मशवरा करके अपनी सवालों का समाधान भी कर सकते हैं। ऋषिपाल जी, अभी आपने ब्रेक पे जाने से पहले हमें बताया था कि नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड क्या होता है, लेकिन अब सोशल इंश्योरेंस बोर्ड की क्या कुछ भूमिका होती है ये भी जानना चाहेंगे। देखिए उससे ये अवधारणा है कि जैसे इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस का पर्पज ये होता है कि किसी व्यक्ति के अगर मान लो बीमारी है या कोई और परिस्थिति है या कोई और कारण है उसको काम करने की स्थिति में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इंश्योरेंस के द्वारा अगर मान लो उसको नुकसान हो जाता है तो इंश्योरेंस की अवधारणा के द्वारा उनकी भरपाई होती है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जहाँ एक वर्कर के पास इनकम ही नहीं है कि वो अपने खर्चे पूरे कर सके और ऐसी स्थिति में उसके लिए कहा जाए कि वो इंश्योरेंस भी करा ले तो उसके पास इंश्योरेंस का प्रीमियम भरने के पैसे नहीं है या उसको उसकी जानकारी नहीं है तो उसको इंश्योरेंस कराने चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जो सोशल स्कीम्स होती हैं जो एक तरह ग्रुप इंश्योरेंस होता है या और तरीके होते हैं उसके अंदर सोशल स्तर पर जो है कोशिश की जाती है और ऐसी स्कीम चलाई जाती है उन स्कीम के तहत जो है उनको लार्ज स्केल पे ग्रुप के स्केल पे जो है उनको इंश्योरेंस कराया जाता है और अगर कोई मामले की चैपिंग हो जाती है या मान की कोई अगर दुर्घटना हो जाती है या किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस इंश्योरेंस स्कीम के द्वारा जो है उनको खर्चा दिया जाता है और उनके और उनका रखरखाव किया जाता है। जी बिल्कुल ऋषिपाल जी, जैसे राज्य सरकार की अनऑर्गेनाइज्ड वेज वर्कर के प्रति क्या कुछ जिम्मेदारी होती है, साथ ही साथ केंद्र सरकार इसमें क्या कुछ कर सकती है? देखिए जैसे हमने पहले बताया नेशनल बोर्ड का बताया, जैसे नेशनल बोर्ड होता है नेशनल बोर्ड के जो मेंबर्स होते हैं उनका काम ये होता है कि राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो सरकार है उस सरकार को जो है एडवाइस करना, सरकार की जो स्कीम्स है उस स्कीम को और देखना किस तरह से बेहतर हो सकती है और उनकी जवाबदेही तय करना। जिस तरीके से राज्य सरकार नेशनल बोर्ड का काम होता है उसी तरह से राज्य सरकार जो है वो भी ऐसी स्कीम लेके आती है जो राज्य स्तर पर जो मजदूर है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है अनऑर्गेनाइज सेक्टर को इस तरीके से कार्य किया जाए कि उनकी जो खर्चे हैं वो खर्चे पूरे हो सके, उनकी जो आवश्यकता है जैसे मान लीजिए रिटायरमेंट की बात करते हैं या मेटर्निटी की बात करते हैं या मेडिकल प्रॉब्लम की बात करते हैं या किसी के मान लीजिए हैंडीकैप होने की बात करते हैं या इवन मृत्यु की बात करते हैं या मानी बीमार और किसी बीमारी की बात करते हैं तो ऐसे स्तर पर राज्य सरकार जो है भिन्न भिन्न तरीके से वो बनाती है नियम बनाती है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो एक्सपो है क्या नाम है जो वर्कर्स हैं उनको बेहतर तरीके से जीवन चलाने की कोशिश करती है और ये एडवाइस राज्य सरकार जो है राज्य स्तर पर करती है वही एडवाइस जो है केंद्र सरकार केंद्र स्तर पर। बिल्कुल ऋषिपाल जी, जैसे सामाजिक कल्याण योजनाएं जैसे कि सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के लिए कर्मियों को क्या कुछ करना होता है? देखिए आपने भी सुना होगा वक्ता के बहुत बार जब भी विशेष तौर पर
इलेक्शन का जब अनाउंसमेंट होती है जी. तो बहुत सारा जो सोशल सिक्योरिटी की जो बातें हैं वादे हैं वो सरकारों के द्वारा किए जाते हैं. तो ये वादों को ना छोड़कर अगर मान लीजिए कोई भी सोशल स्कीम सरकार प्रोनाउंस करती है अनाउंस करती है तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो कर्मी है उसको जानकारी होनी चाहिए. तो अगर उसको ऐसे लगता है कि वो निजी तौर पे वो जानकारी इकट्ठा नहीं कर सकता या निजी तौर पे वो उसका फायदा नहीं उठा सकता तो हमारे यहाँ पे जो यूनियन होती है जो लेबर यूनियन होती है उनकी अवधारणा है उनके जो जो उनके पदाधिकारी होते हैं उनका यही काम होता है कि सोशल स्कीम्स है उन सोशल स्कीम्स के ऊपर वर्कआउट करना उन सोशल स्कीम को लेबर तक पहुंचाना और उसके जितने फायदे हैं वो उन तक पहुंचाना. तो एक कर्मी की सबसे इम्पोर्टेंट जो जिम्मेदारी वो यही है कि अपनी जो लेबर यूनियन है उनको जानकारी रखेगा जितना संभव हो सके सरकार के द्वारा की गई जो स्कीम्स है उन स्कीम की जानकारी हो और उनका फायदा उठा सके. और ये कभी ना समझे कि जो स्कीम की जानकारी है वो को इन पे एहसान किया जा रहा है. ये अपने आप पे एक एज पर लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है कि लेबर जो उनका सोशल वेलफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके तहत ये नियम बनते हैं ये स्कीम्स बनती है और उनका फायदा जो है वो लोग उठाते हैं. बिल्कुल ऋषिपाल जी, अगर कोई ठेकेदार कर्मी का शोषण करता है तो वो फिर कहाँ जाए, कहाँ शिकायत करे? देखिए कोई भी अगर लेबर कॉन्ट्रैक्टर है उसने लेबर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है और लेबर कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वो किसी भी जो कर्मी है या तो उसको पैसे कम दे रहा है जी. या उसको पैसे नहीं दे रहा है या किसी और तरीके से उसको ऐसा लगता है परेशान कर रहा है तो उस व्यक्ति जिसके पास ये अपना ये सबूत होता है कि हाँ उसने फला व्यक्ति को अपना श्रम दिया है काम किया है और उसपे उसके उसकी जो सैलरी है उसकी इनकम बनती है तो ऐसी स्थिति में जो कंसर्न लेबर ऑफिसर जो होता है डिस्ट्रिक्ट में लेबर ऑफिसर होता है उस लेबर ऑफिसर के पास वो कंप्लेन कर सकते हैं और लेबर ऑफिसर उसके ऊपर जो है नोटिस कर देगा उस अगेंस्ट व्यक्ति को. और उसके हिसाब से मैंने जैसे पहले ही बताया कि बैलेंस ऑफ कन्वेनियंस जो है जो थोड़ा झुकाव जो है वो लेबर क्लास की तरफ होता है और कोशिश की जाती है कि उस क्लास को थोड़ी सा प्रोग्रेस दी जाए और उसके अंदर जितनी भी इनकम हो जितनी भी संभावनाएं हो सकती है वो लेबर कमीशन कोशिश करता है और मैक्सिमम जो है उनका जो क्लेम बनता है. कई बार ऐसी स्थिति भी होती है कि कोई जो कर्मी है उसकी मौत भी हो जाती है तो उसके एलआरबी जो पिटीशन को दाखिल करता है एज पर लॉ वो नोटिस करता है और एम्प्लॉयर को ये ताकीद करता है या आदेश करता है कि उस तरह से कंपनसेशन जो है उसको दिया जाए और बहुत सारे केस के अंदर जो है एविडेंस प्रूव होकर कंपनसेशन दिया जाए. बिल्कुल बिल्कुल ऋषिपाल जी, जैसे अनऑर्गेनाइज्ड वेज वर्कर क्या यूनियन बना सकते हैं? अगर नहीं तो वो अपनी मांगों को कैसे सामने रखेंगे? देखो एक वक्त तक कहीं भी लॉ में ये नहीं लिखा है कि कोई व्यक्ति अनऑर्गेनाइज्ड है तो वो किसी यूनियन का इसको नहीं बना सकता. यूनियन जो होती है सोसाइटी एक्ट के अंदर जो है डिफाइन होती है और सोसाइटी एक्ट में जो है रजिस्टर्ड होती है. तो चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर हो और चाहे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर हो दोनों को ये अधिकार है कि वो अपने वेलफेयर के लिए या अपनी बात को सामने रखने के लिए वो यूनियन का निर्माण कर सकते हैं. वो यूनियन का निर्माण कर सकते हैं तो और यूनियन के जो पदाधिकारी होते हैं उनसे ही ये अपेक्षा की जाती है कि यूनियन के बेहतरी के लिए जो है वो काम करें और उसकी जो उसमें जो सोशल वेलफेयर स्कीम जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट निकालती है उनकी ना केवल उनको जानकारी दें बल्कि कोशिश भी करें कि उनसे संबंधित जो लाभ है वो किस तरीके से जो श्रमिक है उनके द्वारा उठाए जाए. जी बिल्कुल ऋषिपाल जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि अनऑर्गेनाइज्ड वेज वर्कर्स से संबंधित जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स होती हैं वो कुछ क्या हैं और कर्मियों को उसका फायदा कैसे मिल सकता है, कैसे उसका फायदा उठा सकते हैं? जैसे मैंने कहा कि हर स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट की जो पृष्ठभूमि है उसके हिसाब से सोशल वेलफेयर स्कीम को निकालती है और केंद्र सरकार भी सोशल वेलफेयर स्कीम निकालती है. हो सकता है जो पहाड़ी इलाके उत्तराखंड हो वहाँ पर सोशल वेलफेयर की जो स्कीम है वो अलग हो और जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर अलग हो. तो अपने अपने हिसाब से राज्य सरकारें जो सोशल वेलफेयर स्कीम बनाती है, ना केवल वो बनाती है बल्कि अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो सारी सारी सोशल वेलफेयर स्कीम जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट होता है जो लेबर कमिश्नर का ऑफिस होता है उसके जो नोटिस बोर्ड के ऊपर और जो ऑनलाइन है जो वेबसाइट है वेबसाइट के ऊपर भी सारी की सारी जो योजनाएं वो सारी सारी योजनाएं जो अपलोड होती है. ये जरूरी है कि श्रमिक अगर वो उससे खुद से संभव ना हो तो किसी और माध्यम से
वो उन सारी जो सोशल वेलफेयर स्कीम है जो उनके लिए चलाई जा रही है वो उनकी जानकारी इकट्ठा करें और उससे संबंधित जितने लाभ है उन सारे लाभों को वो उठाने की कोशिश करें। उसने जल्दी की अगर वो ऐसा है कि उनको लगता है कि वो संभव नहीं है कि वो सोशल वेलफेयर की जानकारी दे सके तो ऐसी स्थिति में यूनियन का सहारा दे सकते हैं। जी बिल्कुल ऋषिपाल जी, जिस हिसाब से आपने पूरे मामले को समझाया इस विषय पर कि ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, अनऑर्गेनाइज्ड वेज वर्कर की परिभाषा क्या कुछ है, उनके क्या कुछ नियम कायदे कानून हैं, सही पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, तो आप कहाँ कहाँ क्या कैसे शिकायत कर सकते हैं, बहुत ही बेहतर तरीके से आपने हमारे दर्शकों को समझाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए भी आपका बहुत धन्यवाद। लीगल हेल्पलाइन में इतना ही, नमस्कार।